जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन तीन राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके विवाह के योग जनवरी में प्रबल बन रहे हैं। ऐसा ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर मैं बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी ज्ञात करनी कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है तो आप अपना जन्मदिन व्हाट्सएप पर हमें अवश्य सेंड करें। हालांकि ऐसे जातक जिनके आयु 28 वर्ष से अधिक है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लें। वहीं अगर आप 18 वर्ष से कम उम्र के जातक हैं तो आप अपने शिक्षा हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। हालांकि 28 वर्ष से अधिक उम्र के जातक अपनी कुंडली का अवश्य अवलोकन करा ले। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप कुंडली भेज सकते हैं, आपको परामर्श दिया जाएगा अगर कुंडली में ग्रह दशा अंकित हो तो। वहीं अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से अपनी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी कुंडली बनवाकर अथवा दिखवाकर प्राप्त कर सकती है। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। हाँ, इसमें आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितने दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, यह सभी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दी जाएगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली या तय हो चुकी है उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य मिलान करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाएगी। शास्त्रों में निहित है कि भकुट दोष लगने पर, नारी दोष लगने पर दोष निवारण के पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधना चाहिए। तो आप इन दोष निवारण और दोषों के बारे में जानकारी केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग ऑनलाइन कुंडली मिलान कर लेते हैं तो आपको बता दें कि आपको यह ज्ञात नहीं हो पाएगा कि उसमें किस प्रकार के भकुर दोष लगे हैं और कौन से नारी दोष लगे हैं। भकुर दोष तीन तरह के होते हैं, नारी दोष तीन तरह के हैं। तो आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर ले और उनसे ही आप कुंडली मिलान कर आगे बढ़े तो यह ज्यादा श्रेष्ठ कर होगा, क्योंकि ऑनलाइन पद्धति में जो है वह केवल प्राथमिक जानकारी रहती है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्तमान समय में जो है शुक्र का गोचर जो है धनु राशि में हो रखा है, सूर्य का गोचर धनु राशि में हो रखा है, इसके अलावा बुध का भी गोचर धनु राशि में हो रखा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ है, लेकिन चूंकि धनु राशि के जातकों पर वर्तमान समय में 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, वहीं सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से खरमास लगा हुआ है, तो खरमास तब लगता है जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में उपस्थित होते हैं, उनका गोचर होता है। तो धनु राशि में कुल मिलाकर 30 दिनों तक और मीन राशि में भी कुल मिलाकर 30 दिनों तक सूर्य का गोचर होता है। जब सूर्य गुरु के राशि में गोचर करते हैं तो गुरु का प्रभाव क्षीण हो जाता है। आसान शब्दों में कहे तो कई ज्योतिष सूर्य को पापी ग्रह भी मानते हैं, तो इसके चलते जो है सूर्य का जो प्रभाव है वह गुरु पे बहुत पूरी तरह से पड़ता है और इसके चलते जो है गुरु का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सूर्य के समीप किसी अन्य ग्रह के रहने से अन्य ग्रहों का प्रभाव पूरी तरह से क्षीण हो जाता है, वह निष्क्रिय हो जाता है। तो सूर्य का प्रभाव गुरु पे पड़ने से जो है सूर्य का प्रभाव जो है गुरु के लिए नुकसानदेह होता है, यानी कि इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते चूंकि गुरु का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है, गुरु शुभ कारक माने जाते हैं। तो खरमास इसीलिए लगता है जब सूर्य का गोचर धनु राशि में या मीन राशि में होता है और कुल मिलाकर यह 30-30 दिनों का होता है। तो वर्तमान समय में खरमास है, खरमास 15 जनवरी तक रहने वाला है। जब मकर संक्रांति पड़ेगी यानी कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उसके पश्चात जो है गुरु का प्रभाव फिर से प्रबल हो जाएगा और सूर्य का जो है
मकर राशि में गोचर करने से जो है सूर्य और शनि के बीच जो है युति नहीं बनती है, तो मकर राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारक समय रह सकता है। हालांकि 17 जनवरी के बाद जो है शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, इससे जो है फिर से मकर राशि के जातकों को फायदा मिलने लगेगा। तो धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति 17 जनवरी को मिलने वाली है और मीन राशि के जातकों पर 7.5 का दौर प्रारंभ हो जाएगा। तो मीन राशि के जो जातक है वो भगवान शिव जी की पूजा उपासना अवश्य करे, जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ दे अथवा आप सूर्यदेव को अर्घ दे। दक्षिण दिशा में अगर करके आप भगवान भास्कर को सूर्य को जो है अर्घ देते हैं तो यह ज्यादा श्रेष्ठकर होगा, तो आपको बता दे। हालांकि ऐसे जातक जिनकी महादशा में जो है या तो राहु की महादशा चल रही है या राहु केतु की महादशा चल रही है, शनि की केतु शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे जातकों के भी विवाह में प्रबल योग नहीं बनेंगे, उनको इंतजार करना पड़ सकता है। कई ऐसे जातक है जिनकी कुंडली में वर्तमान समय में धनु राशि के जातक है, उनमें जो है राहु की अंतरदशा चल रही है, तो उन्हें 18 जुलाई तक इंतजार करना पड़ सकता है। 17 जनवरी के पश्चात तो उन्हें 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन राहु का गोचर जो है वो खत्म होने में 18 जुलाई तक का समय लगेगा, तो इस दौरान आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो सूर्य के धनु राशि से निकलने से और फिर मकर राशि में प्रवेश करने के पश्चात जो है 16 जनवरी यानी 15 जनवरी के पश्चात जो है फिर से विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो जाएगा, तो उस दौरान जो विवाह के योग बनेंगे जनवरी महीने में। तो जनवरी का महीना बेहद खास रहने वाला है, इस वर्ष 26 जनवरी का दिन जो है बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दिन जो है जनवरी महीने का सबसे बड़ा लग्न तिथि है और इन दिनों में जो है ये आसान शब्दों के में कहे तो 26 जनवरी को बहुत बड़ा लग्न है और इस दिन अभी से वर्तमान समय से कई जातकों की शादी तय हो चुकी है। तो जनवरी महीने में जो 26 जनवरी का जो दिन है वो बेहद शुभ है, इसके अलावा 17 जनवरी का भी दिन शुभ है क्योंकि इस दिन एकादशी पड़ रहा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए समय शुभ रहेगा। वहीं 29 दिसंबर को जो है शुक्र का गोचर मकर राशि में हो जाएगा और फिर 22 जनवरी तक शुक्र जो है मकर राशि में ही रहेंगे और उसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक और धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा वर्तमान समय से लेकर जनवरी के महीने में। तो धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। वहीं गुरु का गोचर वर्तमान समय में मीन राशि में है और मीन राशि में 22 अप्रैल 2023 तक रहेगा, तो इस दौरान मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग है क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए गुरु मार्गी है। हालांकि 30 अक्टूबर के पश्चात जो है मीन राशि में राहु का गोचर हो जाएगा, उसके पश्चात जो है मीन राशि के जातकों को थोड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। राहु का गोचर और उसके पश्चात जो है 7.5 या दोनों ही मीन राशि के जातकों के लिए कष्टदायक रहने वाला है। आसान शब्दों में कहे तो 22 अप्रैल के पश्चात मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर तक जो है बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत करने वाले हैं। तो आप भगवान शिव जी की शरण चरण में रहिए, जब भी वक्त मिले आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। आइए अब मैं आपको उन राशियों की जानकारी देता हूं। तो प्रथम राशि जो है धनु राशि है, धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। वर्तमान समय में धनु राशि में जो शुक्र का गोचर हो रखा है तो धनु राशि के जातकों के लिए रिश्ते तो आएंगे ही, हालांकि उनमें व्यवधान आ सकता है, कुछ कठिनाइयां आ सकती है। अगर राहु की अंतरदशा चल रही है तो रिश्ते तय नहीं हो सकते, अगर राहु केतु शनि की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है तो उनके रिश्ते तय हो जाएंगे। तो धनु राशि के जातकों के लिए जो है उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। बात करें नाम की तो एस नाम के जातक, टी नाम के जातक, आर नाम के जातक इनके लिए श्रेष्ठकर होते हैं। अगली जो राशि है कुंभ राशि, कुंभ राशि 22 जनवरी के पश्चात योग बनेंगे और इनके लिए जो है पश्चिम दिशा शुभकर होता है। पश्चिम दिशा में अगर आप रिश्ते लेकर जाते हैं तो रिश्ते तय होने के प्रबल योग रहते हैं। बात करें नाम की तो कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक और मेष राशि के जातक कुंभ राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठकर होता है। अगर इनके बीच विवाह होती है तो फिर वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर गुजरता है। तो कुंभ राशि के जातक जो है राशि स्वामी इनके शनिदेव है, 7.5 का जो है दूसरा चरण कुंभ राशि के जातकों पर चढ़ने वाला है, लेकिन साढ़े शनि के चलते जो है इनको फायदा भी मिलने वाला है। वहीं बात करें मकर राशि के जातकों की तो मकर राशि के जातकों को फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि मकर राशि में जो है सूर्य का गोचर हो जाएगा और सूर्य के गोचर से जो है मकर राशि के ऐसे जातक जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक होगी उनके विवाह के योग बनेंगे। तो मकर राशि जातक, कुंभ राशि के जातक जो दोनों ही इनके राशि स्वामी शनिदेव हैं, आराध्य देव भगवान शिव जी हैं, इन दोनों ही राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा मकर राशि के जातकों के लिए शुभकर होता है, श्रेष्ठकर होता है। उस दिशा में अगर रिश्ते की बातचीत चलती है तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है।
तो मकर राशि के जातकों के लिए अंतिम जो राशि है वो मीन राशि के जातक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक मीन राशि के जातकों के लिए शुभ समय रहने वाला है, और इस दौरान मीन राशि के जातकों के विवाह के तो 100% ही योग है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो आप कुंडली अवलोकन कर उसका निवारण करा ले उन दोषों का, तो यकीनन जानिए कि आपके 22 अप्रैल 2023 तक जो है आपको अवश्य सफलता मिल जाएगी। तो मीन राशि के जो जातक है उनके लिए दिशा जो है उत्तर पूर्व दिशा श्रेष्ठ कर होता है, शुभ होता है, यानी उत्तर और पूर्व दिशा में उनके विवाह के योग बनते हैं। बात करें नाम की तो कुंभ राशि के जातक और वृषभ राशि के जातक इनके लिए श्रेष्ठ कर होता है। वर्तमान समय में मंगल का जो गोचर है वृषभ राशि में हो रखा है, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए भी यह समय शुभ है। वैसे जातक जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए शुभ है। तो कुल मिलाकर कहे तो आसान शब्दों में कहे तो वैसे शुक्र और गुरु के गोचर से तीन राशियों के और अन्य ग्रहों के गोचर से कुल मिलाकर 5 राशि के जातकों के लिए समय शुभ है और उनके विवाह जनवरी महीने में होने के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी लाइक कर कमेंट कर शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी देकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दी, आप जहां रहे मस्त रहे स्वस्थ रहे व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे, परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय भाई।